यस सर। पर्ची कट पड़ी है कमते भी उठा, पहले ठीक उठा था, अभी कमती उठा रहा है। नहीं नहीं सर जी, नहीं नहीं ठीक है, दोनों कर रहे हैं। कैल्शियम भी दीजिए, कुछ ताकत हो जाएगा सर जी। आधार लाइन जी सर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज इस कार्यक्रम में आप अतिथि के तौर पर उपस्थित हैं, मंच से भी आपने संबोधित किया है। आपको पहले तो कैसा लग रहा है यहाँ जवानों के बीच आके इस कार्यक्रम में? मुझे इस कार्यक्रम में आकर के बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं 18 बटालियन के साथ मदन सिंह कमलाबारी इस तरीके के कार्यक्रम में हम लोगों को बुलाने के लिए माधवी सिंह कमलाबारी जो हमारे सीमावर्ती वो सीमा के साथ साथ जो गांव में कुछ राजकिशोर यादव जैसे किसानों के बीच में उनके जरूरत का सामान बंटवाना, बच्चों के बीच में उनके जरूरत का सामान बंटवाना, तो एक बहुत अच्छी पहल है। और ये राम सागर यादव जो बांटा जा रहा है, राधा शीष यादव लोगों को एक राम सागर यादव राधा शीष यादव बटालियन के लोग है उनको गाँव के लोगों से रामचंद्र सिंह बहुत ही अच्छा पहल है। कमलाबारी मेंटेन करने के लिए ये बहुत अच्छे एक प्रोग्राम भी है। इसमें बहुत सारे बच्चे थे जो श्याम सुंदर यादव हमारा सरकार का चल रहा है श्याम सुंदर यादव फुलकाहा सब पे एक अलग अलग संजीत यादव कमलाबारी बहुत अच्छी लगी कि लोग अब जागरूक संजीत यादव समाज के जो कमलाबारी की तरफ हमारा समाज जा रहा है।
जवानों का जो पहल है खासकर एसएसपी जो सीमावर्ती धारा में जोड़ने के लिए जो ये पहल कर रही है मुझे उपयोगी लग रहा है। मैं तो ऐसे सेकंड कार्यक्रम में आई हूँ, उससे पहले मैं एक बार और आई हुई थी जिसमें बच्चों के से रिलेटेड था, इस बार किसान से रिलेटेड है। ये उपयोगी है, धीरे धीरे तो चीजों में पहल होंगी ना, हम जुड़ते जाएंगे। आप अपना परिचय देंगे? मैं दीपशिखा सिंह, महिला विकास में जिला अध्यक्ष हूँ। आज का जो सर ये कार्यक्रम हुआ है इसका उद्देश्य क्या रहा है? इसका एसएसबी जन कल्याण फोर्स, हमारा जो उद्देश्य है न सिर्फ बॉर्डर की रक्षा करना बल्कि स्थानीय जनता के विकास को बढ़ावा देना, उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करना है। इसी के लिए हम जो लोकल हैं उनके डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं, किसानों के विकास के लिए उनको डिफरेंट टूल्स देकर उनकी मदद करते हैं, साथ में बालिकाओं के विकास के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए प्रोग्राम्स आयोजित करते हैं। इसी क्रम में इस वर्ष भी सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को खास करके किसानों को ₹800 दिया गया है, चिकित्सा व्यवस्था किया गया था, इसका क्या कारण था? कई हमारे जो दूर दराज के लोग हैं उनको बहुत सारी जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं हो। गंगा प्रसाद महाराज, हम विभाग अपना रीच बढ़ाते हुए लोगों के पास अशोक कुमार भगत जो बेसिक नीड्स अशोक कुमार भगत ऐसा कार्यक्रम हर वर्ष एसएसबी करवाते रहते हैं। बिल्कुल हर वर्ष एसएसबी कराती है, इस साल भी एसएसबी को करीब भारत सरकार से 2.5 करोड़ का बजट मिला है और पूरे नेपाल और बॉर्डर में हम इस तरह के द्वारा इस तरह के प्रोग्राम आयोजित परिचय देंगे पूरा। मैं अरविंद वर्मा, बटालियन राज। नमस्कार, जैसा कि हम यहाँ से आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे थे, अभी हम लोग एसएसबी 18वीं बटालियन राजनगर मुख्यालय में थे। यहाँ ये जो भारत का और नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र है, ये भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र में हम लोग हैं और यहीं कुछ दूरी पर नेपाल और भारत का जो है सीमा क्षेत्र है। और इस क्षेत्र के जो लोग हैं उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और उनको राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम की गाथा सिखाने के लिए एसएसबी समय समय पर बहुत सारी योजनाएं चलाते रहती है, जैसे चिकित्सा व्यवस्था, निशुल्क चिकित्सा, जो जानवर है, पशु है, उनके लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना, साथ ही साथ जो बच्चे हैं जो अध्ययन अध्यापन में लगे हैं उन्हें पुरस्कृत करना, प्रोत्साहित करना, अन्य चीज़ें। इसी प्रकार का एक कार्यक्रम आज एसएसबी 18वीं बटालियन के द्वारा आयोजित किया गया, जहां हम आपको दिखा रहे थे आज बटालियन के कमांडेंट श्री अरविंद वर्मा जी उपस्थित थे और उन्होंने 10 न्यूज से बात करते हुए बताया कि आखिर उनका ऐसे कार्यक्रम करवाने का और इसमें भाग लेने का मूल उद्देश्य क्या होता है। मधुबनी से रंजन अभिषेक, 10 न्यूज।